अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कलरा। कलरा का पैथोफिजियोलॉजी क्या है? ये क्या है? हमारा माउथ है, माउथ। ये हमारा है लीवर, ये है स्टोमक, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है रेक्टस। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? ये हमारा माउथ हो गया, ये लीवर हो गया, ये स्टमक हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हो गया रेक्टल। क्या हो रहा है? बैक्टीरिया यहाँ से बाय द रिस्पायरेशन कहाँ जा रहा है? हमारे माउथ में या बॉडी कैविटी में, या बाय द फूड, फूड एंड वाटर। किसके द्वारा? बैक्टीरिया गोज इन टू द बॉडी बाय द माउथ। किसके द्वारा? फूड एंड वाटर के द्वारा। जो हम वाटर ले रहे हैं, जो कंटेमिनेटेड वाटर ले रहे हैं या फूड्स ले रहे हैं, उसके द्वारा बैक्टीरिया कहाँ गई? हमारे माउथ में। माउथ से देन मूव इन जीआई ट्रैक, जीआई ट्रैक में आया। जीआई ट्रैक ये है, इसको बोलते हैं हम, ये जीआई ट्रैक, ये जीआई ट्रैक में आया। उसके बाद से कहाँ गया? इंटेस्टाइन में, यहाँ पे आ गया, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में आके ये क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई मतलब हमने इनक्यूबेशन पीरियड 5 से 7 डेज बोला था, 5 to 7 डेज में क्या होगा? पूरे बॉडी में, पूरे स्टमक इंटेस्टाइन में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करेगा? ये इन्फेक्टेड करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फ्लामेशन करेगा, इन्फेक्टेड करेगा। लास्ट स्टेज में ये होगा कि ये इंटेस्टाइन कभी कभी फट जाएगी, जिसकी वजह से मृत्यु हो जाएगी। और इसके वजह से हमारे इंडाइजेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, फीवर होगा, डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगी, डिहाइड्रेशन होगा, A to Z डिसीज होगा। क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ हो रहा है? इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स का या फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में हो रहा है। जब इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगी, नोजिया होगी, स्टमक पेन होगा, ये सारा चीज होगा। ठीक है, तो ये हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायरिया।